बहुत एक्सपेक्टेशन से कोलकाता आया, बहुत अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे कि यहाँ खाऊंगा, वहाँ खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ऑलमोस्ट ये ड्रीम मेरे दिमाग में ना एक साल से चल रहा था, आऊंगा। और जैसा मैंने सुना है कि यहाँ जैसा स्ट्रीट फूड कहीं भी नहीं है, तो मैं आया। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो जितना हो सका मैंने उतना ट्राई किया, और उसी के रिज़ल्ट के बारे में आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि मेरा वर्डिक्ट क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कोलकाता के फेमस फूड जॉइंट्स, फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में। तो जब मैं आया तो थोड़ी रिसर्च की और YouTube में देखा कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्लॉगर्स, नेशनल ब्लॉगर, इंडिया के हमारे दोस्त लोग, भाई लोग और बड़े बड़े शेफ़ लोग का वीडियो मैंने देखा। और मैं बोला कि यार, मैंने लिस्ट बना ली कि यहाँ 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 जाऊँगा। और मैं वहाँ गया, और अगर मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा, ऑब्वियसली आप लोग मेरे वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, और जब आप लोग कोलकाता आओगे तो मेरे वीडियोज़, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे मानते हैं, वो लोग मेरा वीडियो देख के ही आएंगे ना कि भाई अंशुल ने बोला है तो अच्छा होगा। बिकॉज़ ब्लॉगिंग तो मेरा एक हॉबी है, बट पैशन तो शेफ़ है ना। तो बीइंग अ शेफ़, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, वो मुझे उतना वर्दी नहीं लगा। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ एक पार्क स्ट्रीट नाम की जगह है, सबसे पहले मैं वहीं गया। बहुत बज़ है उस जगह का यहाँ पे, और होना भी चाहिए। वाइब्स एक नंबर है वहाँ की, पॉजिटिविटी दिखती है और लगता है कि हाँ यार, कुछ हेरिटेज जगह में आए हैं, कुछ पुरानी उस सभ्यता को देख रहा हूँ मैं। बट मैं एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट जॉइंट गया, और मतलब इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द फेमस ब्रेकफास्ट जॉइंट इन पार्क स्ट्रीट। जो लोग जानते हैं वो लोग मानते हैं, बट मुझे तो वो जगह उतनी अच्छी नहीं लगी। देखो, सबसे पहले एक जो मिथ मैं तोड़ना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि कोलकाता हैव द चीपेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, और नॉट इन द वर्ल्ड तो कम से कम इंडिया में, बिल्कुल गलत है ही नहीं। कोलकाता का फूड इज़ मोर एक्सपेंसिव और एज एक्सपेंसिव हैज़ अदर मेट्रो सिटीज़। जबकि मुझे कुछ कुछ प्लेसेस अगर मैं गया हूँ तो वहाँ का मुझे खाना यहाँ से बहुत चीप लगा। यहाँ पे भी चीप जगह होंगी, बट आप लोग सब जगह खा नहीं सकते जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। तो जो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो मैं ब्रेकफास्ट जॉइंट गया, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल वॉज ओके। नाम के हिसाब से वो अपने अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, टाइम भी थोड़े टफ हैं, मे बी दैट्स वाई ऑल्सो द क्वालिटी वॉज लिटिल बिट डाउन। बट मैंने देखा कि यार, वहाँ का स्टाफ वॉज नॉट एज गुड एज यू नो, अपने दूसरे गेस्ट लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे वो लोग। मे बी इट इज़ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टफ टाइम्स, और मे बी इट इज़ इन देयर जीन्स, आई डोंट नो। और या तो उनके मैनेजमेंट ने उनको वैसा ट्रेनिंग दिया है, बट इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी ऑल्सो। देन आई ट्राइड द प्लेसेस विच आर 100 ईयर ओल्ड 120 ईयर ओल्ड, मतलब गिनती नहीं कर सकते। यहाँ पे इतनी सारी प्लेसेस है ना, आप गिनती ही नहीं कर सकते। आप काउंट करते करते, आपको मैं बता रहा हूँ, महीनों लग जाएंगे अगर आप यहाँ की हेरिटेज प्लेसेस को खाने के लिए जाओगे। बट टेस्ट इज़ द विनर। अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो आपका भाई आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज शेफ़ हूँ, शेफ़ की बातों का भरोसा करना, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, और मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पता, हो सकता है कि जो दूसरे लोगों ने वीडियो बनाया, मे बी दे लाइक्ड इट, उन लोगों को पसंद आया, बिकॉज़ उनके शायद टेस्ट बड ही वैसे हैं, या उस टाइम पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मे बी अभी कोविड के वजह से क्वालिटी डाउन हो गई होगी,
फिर उसके बाद और भी काफ़ी फेमस फेमस प्लेसेस गया मैं, कई जगह मैंने रोल्स ट्राई किए और इट वाज आल्सो नॉट वर्दी. अगर मैंने चिकन रोल खाया एंड दोज प्लेसेस आर लाइक 100 ईयर्स ओल्ड और नॉट लेस देन 90 ईयर्स ओल्ड, बट वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी. आई ऑर्डर चिकन रोल बट चिकन था ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ सॉटेड अनियन था और चिकन के कुछ नाम भर के गार्निश थी, चिकन की गार्निश थी. चिकन मेन कंटेंट मेन इंग्रेडिएंट वाज द अनियन एंड इट वाज गार्निश्ड बाय चिकन. तो हंसी आ गई चिकन का गार्निश. जैसे अपन लोग कई कई जगह पिज्ज़ा खाने जाते हैं ना, चार पीस चिकन रहते हैं, वैसे ही वो रोल में भी चार पीस चिकन थे. तो मेरे को लगा यार मेरा होम टाउन भिलाई में चिकन ज़्यादा रहता है, अनियन कम रहता है. भले ही चिकन की क्वांटिटी कम रहेगी बट चिकन लगता है यार. और वो भी मैंने यहाँ पे डबल चिकन मंगवाया तो भी गार्निश लग रहा था. तो डैट वॉज वन एक्सपीरियंस. फिर मैं एक जगह मिष्टी धोई, बड़े बड़े गूगल में सर्च किया ना, 5 स्टार. मतलब अगर स्टार देने की बारी आती ना तो 5 स्टार के बदले उसको मतलब फट जाए स्टार. इतने सारे मतलब स्टार मिले हुए थे, अनगिनत स्टार, अनगिनत रिव्यू. कुछ कुछ रिव्यू हो सकता है कंटेंट राइटर ने दिए होंगे, है ना, बिकॉज नॉर्मल ब्लॉगर इतने भारी भारी शब्द यूज़ नहीं करते हैं. तो होपफुली वो लोग पेड होंगे. बट हम गए पर्सनली भाई, हम तो जो हमको रिव्यू दिखेगा, पहली बार कोलकाता में हैं, प्लस हम लोग गए भी काफ़ी समय बाद. आई वॉज विथ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन. लेकिन वो भी शौक हो गई ना, बस वो भी शौक हो गई कि 10 साल पहले क्या क्वालिटी थी और 10 साल बाद क्या क्वालिटी है. और सोचो मैंने तो 10 साल पहले ट्राई नहीं किया, तो मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन हो जाएगा. बट मुझे तो यहाँ बार बार आना पड़ेगा फ्यूचर में. तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने और बसु दोनों ने, कि भाई घर का खाना ही बेस्ट है. आप लोग को अगर यहाँ पे ना आ रहे हो तो बड़े बड़े नाम के पीछे मत जाना. बड़े बड़े नाम के पीछे जाओगे तो बस आप ना टॉपिक्स बना सकते हो कि हाँ यार मैंने यहाँ पे खाया, मैंने वहाँ पे खाया, मैंने सारे कोलकाता के फेमस जॉइंट्स को ट्राई कर लिया. बट एट द एंड बताऊँ, घर का जो खाना मिला ना मेरे को, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं था. मैंने 4 दिन बाहर का खाया, टोटल 15-20 दिन मैं कोलकाता में रहा और 4 दिन मैंने बाहर का खाया, 15 दिन मैंने घर का खाया और कोई भी रेस्टोरेंट फेल था उसके सामने. द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द हॉस्पिटैलिटी, वो अपनापन, वो प्यार जो होता है ना, वो आपको घर पे ही मिलेगा. और सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं मिष्टी दोई का दे रहा था आप लोग को, भाई गूगल में बड़े बड़े नाम सर्च किए, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं हमारे और बड़े बड़े हमारे पर्सनालिटीज़ हैं जो वहाँ से स्वीट्स लेते हैं, वहाँ से वो लोग मिष्टी दोई लेते हैं. और कोलकाता का मतलब तो भाई मिष्टी है ना. यहाँ के लोग मीठे होते हैं तो यहाँ की मिठाई भी बहुत फेमस है और सस्ती भी है, बहुत सस्ती है. बट सस्ते में मेरे को वो क्वालिटी नज़र नहीं आई बड़े बड़े स्वीट्स के जॉइंट में. और जहाँ मैं रुका था वहाँ पे नीचे एक छोटी सी दुकान थी, मिष्टी दोई मैंने वहाँ से ख़रीदा. मैं उस दुकान का ना नाम बंगाली में लिखा है, मेरे को नाम भी नहीं मालूम उस दुकान का. वहाँ का जो मैंने मिष्टी दोई खाया ना भाई, आज तक का सबसे बेस्ट. सच बोलूं आप लोग को, मैं वो दुकान के बारे में बता नहीं पाऊंगा, वो इवन गूगल में भी है नहीं. मैं बड़ा सर्च करने की कोशिश किया कि उसका लिंक मैं डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, बट मैं उसको सर्च भी नहीं कर पाया. बट वो दुकान का ना
यार कंसिस्टेंसी थी। वीडियो के एंड में उसकी फ़ोटो ज़रूर लगा दूंगा ताकि आप लोग उसकी कंसिस्टेंसी देख पाओ, और मज़ा आ गया उसको खा के। और सेकंड बेस्ट जो मिष्टी दोई है ना, वो मदर डेरी की है। तो अगर आपकी सिटी में मदर डेरी का मिष्टी दोई अवेलेबल है तो आप लोग को कोलकाता आने की ज़रूरत नहीं है अगर मिष्टी दोई के लिए। और अगर आना है तो मिष्टी दोई खाना है इन छोटी छोटी जगहों से, बिकॉज वन थिंग, बड़े बड़े लोग का नाम तो चलेगा ही चलेगा, बट जो छोटी छोटी जॉइंट्स है ना, जो रियली में अच्छा चीज़ बना रहे हैं, वो लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि दे आर डूइंग गुड वर्क। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे यहाँ पे, बट ओवरऑल एक वर्डिक्ट बोलूँगा ना, आओ तो ट्राई करो कि जो यहाँ के, सर्च करो होम कुक्स कौन कौन हो सकते हैं अच्छे अच्छे, उन लोगों का ट्राई करो। मे बी दे विल टेक 50 rupees एक्स्ट्रा, बट वो जो आपके दिमाग में यहाँ के खाने की मेमोरी बनाएंगे ना, वो किसी भी बड़े नाम से बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। और इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फूड, इट इज़ ऑल अबाउट द लव फॉर टेस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट द लव फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यहाँ का खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा है। फ्लेवर्स बहुत बॉम्बार्डिंग फ्लेवर्स होते हैं यहाँ के खाने में ना, मैं सच बताऊँ, लेकिन छोटी छोटी जगहों से ट्राई करना, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। 2-3 इंग्रेडिएंट डाल के ही बनाएंगे खाना, बट ऐसा बनाएंगे कि ना एकदम माइंड वो हो जाएगा, माइंड वैसा ब्लो हो जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव नहीं है इस वीडियो के थ्रू, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, और अब तो आना जाना लगे रहेगा, बट मैं घर पे ही खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए। फिश होनी चाहिए बड़ी बड़ी, चिकन गार्निश में नहीं होना चाहिए, और टेस्ट को ही प्रायोरिटी रखेंगे अपन। और होपफुली जब मैं नेक्स्ट टाइम कोलकाता आऊँगा तो मेरे को अगर कुछ भी अच्छा लगेगा ना यहाँ का आउटलेट, तो मैं तुम्हारा भाई लड़ मड़ के वीडियो बना के दिखाएगा ही तुमको। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस बार मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अगर कहीं दूसरे आउटलेट का वीडियो आ जाए कोलकाता के किसी भी आउटलेट का, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली वो आउटलेट ऐसे ही रहेंगे जो अदर सिटीज़ में भी जिनकी फ्रेंचाइज़ है, बट यहाँ के बड़े बड़े नाम अभी के लिए मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंट किए। अगर वो लोग में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करिएगा, और मुझे मौका दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जो मेरा थॉट है एज अ टूरिस्ट, एज अ फूड एक्सप्लोरर, एज अ शेफ, एज अ फूड एंथुजियास्ट, वो चेंज हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करने लायक वैसे कुछ है तो नहीं इस वीडियो में, आप लोग ने पर्सनली इन्जॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों को नए वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड रब रखा।